मेरे शूज ये कौन? देखिए दोस्तों, ये सुबह सुबह यहाँ खेत है। और ये दोस्तों ऊटी का नज़ारा है, अर्ली मॉर्निंग 7 AM। हम हो गए दोस्तों तैयार उठ के, हमारी गाड़ी तैयार है, हमारी पैकिंग हो गई है पूरी। हम यहाँ से निकल रहे हैं एक लोकल पास में, कुछ 20-25 किलोमीटर दूर है पाइकरा लेक, और वहाँ से आज का जो प्लान है वो है मैसूरू का। वहाँ पर देखेंगे मैसूरू पूरा एरिया देखेंगे, और मैसूर पैलेस कोशिश करेंगे कि पहुँच जाएँ टाइम से और देखें वहाँ पर। और वहाँ से फिर आगे का क्या प्लान है, चलना है या कहीं रुकना है, ये हम वहाँ चल के देखेंगे। तो अभी दोस्तों चलिए, हम चलते हैं, बिल्कुल रेडी हैं, मौसम हो रहा है एक नंबर। वाह, ये है दोस्तों ऊटी की सुबह। यहाँ तो अभी थोड़ी ठंडक है क्योंकि छाया है, धूप अभी आई नहीं है। यहाँ पर इस हिल स्टेशन से बाहर निकलते ही वापस से अभी दोबारा धूप होने वाली है, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा कुछ। यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास है पाइकरा लेक एंड वाटरफॉल, दोनों सामने आमने हैं। तो हम चल रहे हैं दोस्तों अभी पाइकरा की तरफ, वहाँ से निकल के प्लान है मैसूरू जाने का, मैसूर और मैसूर पैलेस देखने का। थैंक यू विजिट अगेन, थैंक यू सो मच ऊटी, बहुत बढ़िया जगह रही है हमारी। रात को हमने मस्ताना डिनर किया और सही मौसम में खूब लंबी वॉक करी सारी मार्केट की। तो दोस्तों आज का सफ़र जो है वो ज़्यादा लंबा तो नहीं है, पर खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि जो वादियाँ हैं और जो सड़कें हैं वो इतनी अच्छी होंगी क्योंकि अनटच्ड है, बहुत ही फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट से होके निकलेंगे हम। वहाँ पर पाइन फॉरेस्ट है, और ऊटी में आपको पता ही होगा बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो मुझे पूछो ज़रा, पूछो तो एक फेमस है। तो अभी का जो सीन है वो बहुत ही बेहतरीन हो रखा है। यहाँ से निकल के देखते हैं, अभी ऊटी में अर्ली मॉर्निंग कुछ खुला ही नहीं है, बिकॉज इट इज 7 AM, सब 10 बजे खुलता है यहाँ पर। सुबह सुबह दोस्तों चाय ब्रेक, हमने कहा थोड़ा कुछ 1 घंटे की जर्नी है उससे पहले कुछ चाय पानी हो जाए। हमारे पे बिस्किट का डब्बा रखा हुआ है और ये चाय है। फॉग जम रही पूरी गाड़ी पे बाहर से क्योंकि मौसम बाहर ऐसे ही हो रहा है। चाय हो रही है ख़त्म, हम चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा, जो इस पुरानी सीरीज में आपको सारे व्लॉग देखे होंगे अपने अलग अलग डेस्टिनेशन के। प्लान पूरी जर्नी का ये था कि सारी सदर्न इंडिया, जो पूरा साउथ इंडिया हमारा, हम देखेंगे एक एक करके। और जो रोड ट्रैवल है उसका सफ़र अपने आप में जो एक आपको फील देता है, हो सकता है आपको वीडियो में उतनी चीज़ें नजर ना आए, लेकिन आपको जो फील खुद से ट्रैवल करके आएगा, आपको देखने को पता लगेगा कि हाँ हमारे देश में कौन कौन सी जगह हैं, कैसे कैसे स्टेट्स हैं, क्या भाषाएं बोली हैं, खाना पीना रहन सहन लोग बाग कैसे हैं, किस जगह का किस लोकेशन का क्या और कैसा फील है। अगर आप वो ट्रैवल पे निकलेंगे, रोड ट्रैवल पे कवरिंग द डिफरेंट स्टेट्स, नॉट ओनली साउथ इंडिया, एनी अदर स्टेट आल्सो, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई हमारा देश कितना विविध है और कितना उसके अंदर यूनिटी है और कितनी लोगों में डिफरेंसेस है। चलते हैं दोस्तों। अर्ली मॉर्निंग तो खैर क्या ही वन वे होगा, वैसे वन वे बना देते हैं लोग, पर क्या मौसम है यार, हल्का हल्का बादल है, धुंध है, सही ऊटी खिल रहा है। मतलब अगर हम सिर्फ नेचर के हिसाब से चलें तो नेचुरल जगह तो बहुत सही है ही है, पर वही बात है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी हो गई है तो सब चीज़ उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। होटल देख लो तो, गंदगी देख लो तो, दुकानें देख लो तो, ट्रैफिक देख लो तो, वो सब चीज़ें धीरे धीरे, मतलब उस जगह का जो एक्चुअल फील है ना वो कहीं दब सा जाता है, तो नेचुरल सीरेनिटी रहती है, इस वजह से लोग फिर सब फॉरेन ट्रैवल करने लगे। अपने देश की चीज़ों को बचाए रखना, संजोए रखना, उसको साफ सुथरा रखना, उसी उसके ऊपर कोई सोचता नहीं है। मतलब नो बडी वॉन्ट्स टू वर्क ऑन आर ओन कंट्री, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो आउट, पर कोई बात नहीं, हम तो अभी फिलहाल अपने ही देश में निकले हैं, सेंट होली ट्रिनिटी चर्च। चलिए दोस्तों, लोग भाग दौड़ भाग भी लगा रहे हैं यहाँ पर, ये एक शिमला जैसा चर्च बना हुआ है यहाँ पर मौसम तो लाजवाब है फिलहाल यहाँ पर। ये है दोस्तों ऊटी का पाइन फॉरेस्ट, एकदम डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको कोई बंदा छुप जाए तो नजर नहीं आएगा अभी रोड के साइड में जाके। देवदार है तो सारे, हाँ ये देवदार है, पाइन बस थोड़ा सा सामने ही इसके आने वाला है। और ये लेफ्ट साइड में हमारे एक और लेक है बड़ी सी, लोग आगे यहाँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग रुक के फोटो खिंचा रहे हैं, हम भी खिंचाएंगे फोटो भी रुक के, अपने को थोड़ा सफ़र लंबा करना है उस वजह से हम पहले एक डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो आएगा थोड़ा सा मज़ा। ये नीचे है लेफ्ट में एकदम ज़बरदस्त लेक, जो भी पेड़ों की वजह से दिख नहीं रही है। ओ ओ ओ पहुँचने वाले हैं हम पाइकरा, कितना किलोमीटर? पाइकरा 4.2 6 है, बोट हाउस थोड़ा और डेढ़ घंटा आगे ना, क्योंकि हम अब हमें यहाँ से
मैसूर तो लेफ्ट ही है, सब यहीं से जाना है, यहीं से निकलेगा रास्ता, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल हाईवे नंबर 181। पाइकरा वाटरफॉल तो दोस्तों बंद है, अभी खुलेगा 8:30। हम यहाँ पर कुछ 8 बजे से पहले ही पहुँच गए हैं, और दिख रहा होगा आपको नीचे वो जो पानी बह रहा है, वो सारा जो वाटर है वहाँ पे है वाटरफॉल नीचे। हमारे लास्ट टाइम की वीडियोस भी हैं, फोटोज भी हैं, और हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। खूबसूरत धूप निकली हुई है और बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं, मौसम भी अच्छा है, ठंडा है। तो क्या हम यहाँ पर रुकें और वेट करें इसके लिए खुलने का? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे टी गार्डन भी है, क्या ज़बरदस्त खूबसूरती है यार। ये है जैसे नीलगिरी पर्वत, और इतनी खूबसूरती है, मतलब कमाल की जगह यार। अर्ली मॉर्निंग 8 बजे भी, क्या जगह है ये देखिए। असम तो दोस्तों हवा चल रही है बहुत तेज, यहाँ पे मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, क्या खूबसूरत जगह है। हमारे चारों साइड देखिए सबके सब ये टी गार्डन है। यहाँ से हम तो आए थे थोड़ा पाइकरा लेक और पाइकरा वाटरफॉल घूमने, पर वो बंद है सब, खुलेंगे 10 बजे के आसपास। उतना समय हमारे पास है नहीं रुकने के लिए, क्योंकि हम पहले घूम चुके हैं। अगर नहीं घूमा होता तो हम शायद वेट कर लेते। हम आपको दिखाते हैं पूरे ब्लॉग के अंदर कि हम 2019 में हम यहाँ पर जब आए थे तो क्या और कैसा दिखता था हमें। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, हमें चलना मैसूर पैलेस, हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। वाह, ये फोटो खिंचानी तुम्हें टोकरी लेके। ओहो, ओह वाओ, क्या हवा चल रही है यार। आप ये देखो पीछे पहाड़, मौसम, टी गार्डन। ओहो, देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त जगह है ये, क्या हवा चल रही है ना, आँख खुल रही है, बहुत तेज आंधी आ रही है यहाँ पे, ठंड भी है यहाँ पर और मौसम बहुत बेहतरीन है। ये थोड़ा कुछ पाइकरा से 1 किलोमीटर और आगे आके है, टुवर्ड्स मैसूरू 181 नेशनल हाईवे के ऊपर है, और ऐसे बहुत सारे गार्डन हैं। हम अभी धीरे धीरे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं भाई, अभी चलना है बस। ये देखिए दोस्तों क्या ग्रीनरी है, रोड है, ऑसम जगह है यार। और हम कहाँ घूम रहे हैं यहाँ पे देखिए। ओ ऐसा, चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, सफर हमारा जारी है। चाय वाली मैडम, 4 पत्ते चाय के दे दो। आ जाओ, चलो तोड़ो नहीं, वहाँ कच्चा होता है ना वो, चलें। दोस्तों आप देखोगे मेरे पीछे क्या है, ये देखिए, ये है यहाँ पे एक डैम और एक लेक पर डैम बना हुआ है। आपको ये लेक की खूबसूरती देख के नजर आएगा कि भाई क्या जगह है यार, ऑसम। ये है बना डैम, ये देखिए नीचे से आगे तक बना हुआ डैम, अरे पूरी देखिए पीछे लेक है, ऑसम यार, क्या जगह है, क्या जगह है। ये देखिए आप, वो खड़ी हमारी गाड़ी उधर। ये देखिए दोस्तों क्या है ये जगह, आप इस लेक को देखिए एक बारी। ओहो, नीट एंड क्लीन ग्रीनरी है, कोई भी नहीं है यार यहाँ पर। ओह, मज़ेदार रास्ता है। ये देखो पहाड़ खोद खोद के घर बनाने लगे हैं लोग, पर है तो बहुत ज़बरदस्त जगह ये। क्या जंगल है भाई, मतलब असली मज़ा तो यार ये ऐसे सफ़र का ही है, अपने खुद की गाड़ी हो या बाइक हो, जब आप खुद से ट्रैवल करते हैं तो आप सड़कें, रास्ते, हर चीज़ पे आप दिमाग लगाते हैं और उसको अपनी मेमोरीज में कुछ ऐसे बसा लेते हैं। अदरवाइज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। और ख़ुद के व्हीकल में ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपको कोई चीज़ अगर अच्छी लगी तो आप रुक गए वहीं पर, थोड़ी देर देख लिया आपने। यहाँ पर जो है वो बहुत सही व्यू था कई जगहों पर, तो हम कई जगहों पर रुके, ब्रेकफास्ट फास्ट भी हमने किया, वड़ा खाया यहाँ पर। क्या जगह है यार, ये तो रुका नहीं गया, ये तो ऑसम। ये है हमारी इधर गाड़ी खड़ी है, आप पीछे नज़ारे देखिए यार, ये देखिए यार, हैं सारे सफेदे के पेड़ ही, लेकिन जबरदस्त लगा है।
जा रहे हैं हम शेर के घर के अंदर से। किसी की इतनी हिम्मत कि शेर के घर के अंदर जाए कोई? मुधुमलई टाइगर रिजर्व वेलकम्स यू। होपफुली हमें कोई टाइगर मिल जाए हमारे रास्ते में और मजा आ जाए। हम उसको अपनी गाड़ी के बोनेट पे बिठा के थोड़ा सैर करा के लाएंगे। अच्छा। यस। और अगर उसने बोल दिया आपको पकड़ के चल तुझे मैं अपना जंगल दिखाऊं, तो चले जाएंगे थोड़ा सा घुमाएंगे, क्या हो गया। लेट्स हैव अनदर एडवेंचर। मुधुमलई टाइगर रिजर्व ये है दोस्तों, तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे, बट विद इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मुधुमलई टाइगर रिजर्व। और इतना घना जंगल है कि इसमें हाथी भी हैं, गैंडे भी हैं, सुअर भी हैं और बहुत सारे अलग अलग जानवर भी हैं। मुधुमलई टाइगर रिजर्व भाई तमिलनाडु के अंदर, और कुछ 100 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है, यानी कि मिडिल ऑफ दी फॉरेस्ट से जा रहे हैं हम, जो टाइगर रिजर्व है मुधुमलई टाइगर रिजर्व। मौसम भी बढ़िया है, हिल स्टेशन है, पर एक प्रॉब्लम है थोड़ी थोड़ी दूर पे ब्रेकर बने हुए हैं, बस वो जानवरों को ध्यान में रखते ही बने हुए मुझे लगता है, क्योंकि जानवरों की जो क्रॉसिंग है वो क्रॉसिंग डिस्टर्ब हो सकती है हाई स्पीड व्हीकल अगर ट्रैवल करेंगे तो। आप देखिए क्या जगह है ये। ओ भाई मौसम ने भी आज करवट। और आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे डैशबोर्ड से व्यू, इतनी जबरदस्त जगह है। अगर आप अपने व्हीकल से ना आओ तो यहाँ आप कैसे आ पाओगे बताइए। वाह क्या नेचुरल ब्यूटी है यार ये जंगल की। अच्छा वह इंसान ने इसको रिजर्व कर दिया है, वरना तो इंसान इसको भी काट कोट के अपने यहाँ पे बढ़िया कॉलोनी बसा देता, बिल्डिंगे बना देता, कारखाने लगा देता। कमाल यार इतनी सुंदर जगह है, इतनी पीसफुल, नीट एंड क्लीन, काम, पूरा का पूरा जंगल, कोई हरकत नहीं है दाएं बाएं, सब लोग यहाँ पे एकदम पक्षी हैं, बस पक्षियों की आवाज़ आएगी तुमको, इधर उधर चीज़ों की आवाज़ें आएंगी, कोई जानवर गुजरता दिख जाएगा तो अच्छी बात है वो, पर मज़ेदार जगह है। ये कर्नाटका के लोग जा रहे हैं बिल्कुल टियागो लेके यहीं से। शहनशाह जा रहे हैं रोड पे बैठे हैं, 1939 से मतलब भाई ब्रिज। वेलकम टू कर्नाटका स्टेट ऑफ कर्नाटका। अच्छा भाई वी आर एंटरिंग कर्नाटका स्टेट लीविंग तमिलनाडु बिहाइंड। इट वाज रियली अ नाइस जर्नी इन तमिलनाडु। वाह क्या बात है दोस्तों, हिरन दिख रहे हैं आपको ये। ओफो क्या जगह है यार, दूर दूर तक कोई है ही नहीं, मतलब यहाँ पर है हाथी है, हिरन है और बाकी जानवर है, मतलब ब्यूटी हो तो यार ऐसी जगह पे आओ देखनी है तो। क्या नज़ारे हैं यार ये सामने से देखना जरा। भाई वाह। हाँ जी भाई, थोड़ा पानी प्यास लगी तो हमने कहा यार जब नारियल के देश में है तो नारियल पिया जाए। नहीं नारियल के देश में मैं कब से बोल रही हूं, तो पानी की बॉटल्स की जगह है क्या? नारियल पीछे नारियल की बोरी। तो दोस्तों हम लोग मैसूरी से कुछ कितना रह गया अभी, 28 दोस्तों मैसूरी से हम लोग कुछ 28 किलोमीटर पहले थोड़ी देर रुक लिए हैं, हमने थोड़ा नारियल पानी ब्रेक लिया है। जबरदस्त नारियल, इतना बड़ा नारियल है, पानी खत्म नहीं हो रहा, जो डेली में मिलते हैं नारियल थोड़ा सा पानी होता खत्म हो जाता है, और वो भी एक नंबर फ्रेश का फ्रेश, अभी का भी टूटा हुआ पेड़ से। कमाल जगह यार ये। देखिए दोस्तों हम पहुँच गए मैसूर पैलेस।